वेलकम टू निति स्टडी पॉइंट मैं हूँ नीति और आज हम जानेंगे प्लांट मूवमेंट या फिर कहें पौधों में होने वाली गतियों के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंसान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर दौड़कर जा सकते हैं पर आप यहाँ पे देखते होंगे पौधों में इस प्रकार से जो गति है वो दिखाई नहीं पड़ती वो एक ही जगह पे स्थित होते हैं या फिर कहें बंधे हुए होते हैं रूट की हेल्प से और जो जीव है या फिर कहें दूसरे जंतु हैं उस समान इनमें जो मूवमेंट है वो नहीं पाई जाती वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते फिर भी उनके कोई अंग हैं जैसे कि कहें उनके तने हो गए जड़ हो गए या फिर पत्ती है कोई भी उनका जो अंग है उसमें किसी भी प्रकार की अगर कहें गति पाई जाए जो कि हमें दिखाई दे चाहे ना दे वो मूवमेंट में आती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो जड़ें हैं पौधे की वो ज़मीन के अंदर जाती जाती हैं और ये जो मूवमेंट है वो इतना स्लो प्रोसेस है कि हमें दिखाई नहीं देता हम आसानी से उसे नहीं देख सकते हैं उसी प्रकार आप देखेंगे तो कोई फूल है पौधे का वो सबसे पहले तो कली के रूप में दिखाई पड़ेगा पर धीरे धीरे वो फ्लार के रूप में चेंज हो जाता है हम ये देख तो पाते हैं कि एक छोटा सा जो कली है उससे फूल बन गया है पर उनमें जो चेंजे जो चेंजेस आई धीरे-धीरे मोशन हुआ वो हम नहीं देख पाते तो इसे भी हम मूवमेंट या मोशन कहते हैं जिसमें कि प्लांट प्लांट का ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो और यहाँ पे जो पौधा हो वो छोटा नन्हा पौधा से बड़ा पेड़ या फिर कहें वृक्ष बन जाए तो इस प्रकार की सभी जो गतियाँ हैं जो कि पौधों को ग्रोथ दिलाती हैं उन्हें प्रोग्रेस दिलाती हैं मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं हाँ ये अलग बात है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जंतुओं या फिर मनुष्यों की तरह नहीं जा सकते फिर भी इनके जो अंग हैं उनमें गतियाँ होती हैं और वो बहुत ही जरूरी होती हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लांट मोशन दो टाइप से होती है पहला है यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट या जिसे कहा जाता है डायरेक्शनल मूवमेंट दूसरा है अनुकुंचन या फिर नास्टिक या फिर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ट्रॉपिक या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट तो नाम से ही पता चल रहा है पौधे का कोई भाग या फिर जो प्लांट है, वो किसी विशेष डायरेक्शन की ओर अगर मूव करता है गति करता है तो उसे अनुवर्ती ट्रॉपिक या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट कहा जाता है हम देखते हैं कि जो पौधे की जड़ें हैं वो हमेशा नीचे की ओर जाती जाती है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है जियो से में से सामान्य भाषा में कहें जड़ों में पाई जाने वाली जो विशेषता है ये जियो में होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण की ओर जाते जाते हैं और इसी वजह से जड़ें क्या होती हैं जियो में होती हैं वो किसी विशेष डायरेक्शन की ओर जाती हैं ऐसा हो सकता था कि जड़ें ऊपर की ओर जाएं बट ऐसा नहीं होता है मुख्यतः पौधों की जो जड़े हैं वो नीचे की ओर जाती है क्योंकि वो गुरुत्वानुवर्तन या फिर जियो ट्रोपिज्म के अंतर्गत आते हैं तो पे अगर हम देखें तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है हमेशा डायरेक्शनल होती हैं जिधर स्टेम है उधर ही ये मूव करेंगी तो चलिए देखते हैं कितने टाइप से होंगे सबसे पहला तो मैंने अभी बता ही दिया गुरुत्वानुवर्तन जिसे जियो ट्रोपिज्म कहा जाता है जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पौधे की भाग है जैसे कि जड़ें हमेशा क्या करती हैं नीचे की ओर जाती हैं गुरुत्वाकर्षण की जो बल है वो जड़ों को नीचे की ओर खींचती है तो जो पौधे की जड़ें हैं वो हमेशा नीचे की ओर जाएंगी और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपीज होती हैं इसके अपोजिट आप देखेंगे प्लांट की जो शाखाएं हैं तने हैं ब्रांचेस हैं, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती हैं और ये जो शाखाएं हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपीज में होती हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ती है सेकेंड यहाँ पे देखेंगे हम प्रकाश अनुवर्तन जिसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिसम नाम से ही पता चल रहा है अगर प्रकाश की वजह से किसी प्लांट में या प्लांट के किसी भाग में क्या हो मूवमेंट दिखाई पड़े तो इसे कहा जाता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मूवमेंट होगा थिग्मो ट्रॉपिक मूवमेंट अगर हम बात करें तो इसमें जो मूवमेंट है प्लांट का वो किसी टच के रिस्पांस में होता है और ये हमेशा डायरेक्शनल होगा और एक ही दिशा में होगा जैसे कि कुकुर बी के प्लांट हैं कद्दू है लौकी है कुम्भड़ा है उन्हें अगर कोई सपोर्ट दे दिया जाए तो वो उसी को पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं और अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं तो यहाँ पे थिगमो ट्रॉपीज में, में क्या हुआ जो टच है या फिर कोई सपोर्ट है उसी को ये क्या मान लेते हैं अपना इस्टीमेट्स मान लेते हैं और उसी के रिस्पांस में आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा जलानुवर्तन या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है पानी की वजह से अगर प्लांट में कोई डायरेक्शनल मूवमेंट हो तो उसे कहा जाता है ठीक है अगर यहाँ पे बात करें तो जड़ इसका एग्जाम्पल है पानी जो है हमेशा मिट्टी की निचली भागों में पाई जाती हैं तो इनकी जो जड़ें हैं पौधों की वो हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं पानी की तलाश में और ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है जल अनुवर्तन का नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कीमोट्रोपिज्म अगर हम बात करें कीमोट्रोपिज्म का तो रसायन अनुवर्ति मतलब अगर कोई केमिकल है रसायन है उसकी वजह से अगर प्लांट में या फिर प्लांट के किसी भाग में मूवमेंट हो तो उसे कहा जाता है रसायन अनुवर्ती यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे पॉलिन ग्रेन जो है जो कि मेल पार्ट द्वारा किसी भी प्लांट में बनाया जाता है वो हमेशा फीमेल वाले पार्ट में ही जाके गिरता है स्टिग्मा में ही जाकर गिरता है और लास्ट में ओवरी तक पहुंच जाता है अगर आप इसे डिटेल से देखते हैं तो मेल ऑर्गन के द्वारा बनाया गया जो पॉलिन ग्रेन है वो प्लांट के किसी भी भाग में जाकर गिर सकता था पत्ती में जा सकता था या फिर नीचे गिर सकता था कहीं भी जा सकता था पर ऐसा क्यों होता है हमेशा जो पॉलिन ग्रेन है वो फीमेल वाले पार्ट में ही जाके क्यों गिरता है इसकी वजह है फीमेल पार्ट के द्वारा केमिकल रिलीज करना जो केमिकल है जो कि रिलीज किया जाता है फीमेल पार्ट के द्वारा वो पॉलिन ग्रेन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं खींचती हैं और इस रिस्पांस में जो पोलिन ग्रेन है वो मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं और ये जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ पॉलिन ग्रेन का मेल से फीमेल वाले पार्ट में जानने वाला जो मूवमेंट था वो डायरेक्शनल था एक डायरेक्शन की ओर हुआ तो ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया जो कि केमिकल के रिस्पांस में दिखाई पड़ता है यहाँ पे हमने देख लिया ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट में कौन कौन सी गतियाँ पाई जाती हैं अब हम देखेंगे अनुकुंचन या फिर नास्टिक या फिर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ भी अगर इसको हम डिटेल से डिटेल से देखने की कोशिश करें तो ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट का कोई विशेष भाग एक डायरेक्शन की ओर ही मूव कर रहा है पर नास्टिक मूवमेंट में ऐसा नहीं है अगर कोई वस्तु है या फिर इस्टिमिल्स है जो कि उसे क्या कर रहा है प्रभाव डाल रहा है तो उसके रिस्पांस में जो प्लांट है वो किसी भी साइड में या किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तीन टाइप से होती हैं नास्टिक मूवमेंट तीन टाइप से होंगी पहला है सिस्मो नास्टिक मूवमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो छुई मुई का पौधा या फिर टच मी नॉट प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का अगर आप कभी देखे हो या फिर ना भी देखे हो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा टच मी नॉट प्लांट आप देख लेंगे अगर उसे थोड़ा भी टच कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से बैंड हो जाती हैं मुड़ जाती हैं मानो ऐसा कहती हैं कि मुझे मत छुओ या फिर इनका नाम ही पड़ गया है छुई मुई का पौधा शर्माती हुई ये जो प्लांट है वो दिखाई पड़ती हैं तो यहाँ पे अगर इन्हें थोड़ा भी टच कर दिया जाए ये तो ये बैंड हो जाती हैं इसका रीज़न क्या है इनकी जो पर्णाधार या फिर कहें पलविनस जो है जो कि पत्ती की, की यहाँ पे सबसे ला स्टार्टिंग छोर कहें या फिर जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है वो वाला छोर है पल्विनस वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है तो जब आप उसे टच करते हैं थोड़ा भी तो वो जो पानी है वो पत्तियों में आ जाती है तो यहाँ पे पत्तियों में आते ही पल्विनस वाला जो भाग है वो यहाँ पे ढीला पड़ जाता है और इस वजह से जो पत्ती है वो बैंड हो जाती है और इसीलिए इसे टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पत्ती को टच करने से दूसरी पत्तियाँ भी क्या हो जाती हैं बैंड हो जाती हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो होगा निक्टोनास्टिक मूवमेंट अगर हम देखें निक्टोनास्टिक मूवमेंट क्या है तो निशानुकुंची गति कहा जाता है इन्हें हिंदी में ये क्या होती हैं लाइट की वजह से या फिर कहें नाइट और डे के अनुसार अपने आप को चेंजेस करती हैं अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो ऑक्सेलिस एक पौधा है प्लांट है तो इसकी जो पत्तियां हैं और फूल हैं वो दिन के समय सीधे हो जाते हैं और रात होते ही नीचे की ओर लटक जाते हैं इसका वजह क्या है प्रकाश का या फिर लाइट का होना और लाइट का ना होना लाइट होने पर ये अच्छे से दिखेंगी खिली खिली दिखेंगी सीधी दिखेंगी पर लाइट की कमी की वजह से ये नीचे ही लटक जाती हैं यहाँ पे प्रकाश किधर से भी आए ये सीधी खड़ी हो जाती हैं ऐसा नहीं कि जिधर प्रकाश हो उधर ही मूव करेंगी या उधर ही अपना जो फूल है या फिर कहें प्लांट है उसे मोड़ लेंगी ऐसा नहीं होता है प्रकाश किधर से भी आए चारों ओर से किधर से भी प्रकाश अगर उन्हें मिल जाए तो वो सीधी खड़ी हो जाती हैं और उनकी उनके जो फूल हैं वो भी खिल जाते हैं पर यहाँ पे रात होते ही वो सो जाती हैं लाइट के जाते ही उनकी जो फूल हैं और पत्तियाँ हैं वो लटक जाती तो इस प्रकार से जो गतियाँ हैं वो दो टाइप से होती हैं आज का हमारा वीडियो इतना ही आज का इस वीडियो से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन होगा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या है हमारा सबसे पहला ऑप्शन होगा जड़ या फिर कहें रूट दूसरा है तना तीसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ड्रॉसेरा और चौथा है टच मी नॉट या फिर कहें छुई मुई का पौधा आपको आंसर कमेंट करके देने हैं और ज़रूरी देने हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आइकन प्रेस कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग